वेलकम टू स्टडी और टारगेट। स्टडी और टारगेट के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में ह्यूमन बॉडी में स्वास्थ्य एवं पोषण, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेग जो है ये प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। तो देखिए, अन्न जो होता है ये स्टार्च के समृद्ध स्रोत होता है, ठीक है, स्टार्च के, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है। वसा में, तो वसा में विलय जो विटामिन है वो है विटामिन ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील है और इसमें पूछा गया है कि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी जो है ये वसा में नहीं है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और सी, याद रखना है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ये रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। पाँचवा क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, नेत्रों के लिए। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा विटामिन ए जो होता है ये आँखों के स्वास्थ्य के लिए जो है जरूरी होता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन में से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन डी जो होता है ये सनशाइन विटामिन है। ईसीजी है, ईसीजी क्या है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नौवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉलिक अम्ल जो है ये विटामिन है, ठीक है, विटामिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टाइफाइड नहीं फैलता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, सही मेल इसमें बताना है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा, करेक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 14 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ठीक है, ए हो जाएगा। पित्त ज्वार संचारित किया जाता है, पित्त ज्वार, तो एंडीज द्वारा जो है, एडीज द्वारा जो है ये ज्वार मतलब संचारित किया जाता है पित्त ज्वार। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विटामिन ए जो होता है ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए मदद होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी जो होता है छिली हुई सब्जियों को धोने पर जो है निकल जाता है। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है, विटामिन बी की कमी से, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अरक्तता जो है ये विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीलिया एक प्रतीक है, प्रतीक है, पीलिया एक प्रतीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यकृत की बीमारी का प्रतीक है पीलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, चीका के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए, इसके द्वारा जो है यकृत प्रभावित होता है, यकृत। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट आप सभी को पता ही होगा, विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है।
मीना माता रोग का कारण है, मीना माता रोग का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा जो होता है मीना माता रोग का कारण होता है। परजीनी फसल, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए के लिए। ठीक है, सूची फर्स्ट को, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पर विटामिन सी दिया गया है, तो विटामिन सी जो है स्कर्वी अम्ल, विटामिन सी स्कर्वी अम्ल इसमें होता है। फॉलिक अम्ल की बात करें, फॉलिक अम्ल तो रक्ताल्पता। विटामिन ए की बात करें, इसकी कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोता होते। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन सी स्कर्वी, तो यहाँ पर आप मिलान देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तो अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है, यौन संबंधित इनमें से कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हीमोफीलिया जो है ये यौन संबंधित है। जापानी, जापानी एंसेफलाइटिस का कारक होता है, तो देखिए इसका जो कारक होता है वो होता है विषाणु। ठीक है, बी हो जाएगा। दोषयुक्त ब्रिक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इनमें निहित प्रक्रम है, तो देखिए इनमें निहित प्रक्रम प्रसरण है, प्रसरण बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर चार दिया गया युग्म, इसमें से एक जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला दिया गया थायमिन बेरी बेरी, इसकी कमी से। विटामिन डी सूखा रोग होता है। विटामिन के देखिए बांधपन नहीं होता है, विटामिन के की कमी से रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। नियासिन पिलागरा। ठीक है, बाकी तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ई जी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, तो ई जी के द्वारा जो है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केसिन दुग्ध होता है या फिर होती है, तो केसिन जो होता है ये प्रोटीन होता है, केसिन दुग्ध प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण से घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आयोडीन के कमी के कारण से घेंघा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, दूध में, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण से जो है दूध में मिठास आ जाती है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जापानी एंसेफलाइटिस उन्मूलन में जो है सहायक है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना। ठीक है, घात करो और छिप जाओ नाम विख्यात विषाणु है, घात करो और छिप जाओ, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आरएसवी विषाणु। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रेटिनॉल जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। कुनाइन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आर्थिथर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो केसिन प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, पीलिया में, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यकृत जो है इसमें दुष्प्रभावित होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, तो देखिए इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, इसको ल्यूकेमिया बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रुधिर में, ठीक है, ल्यूकेमिया इसको बोलते हैं। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि, तो देखिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, इसीलिए जो है वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल जो है कोलेस्ट्रॉल है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है,
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना जो है आहार में लघु लवण का मुख्य उपयोग है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम जो है प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए, डी हो जाएगा। गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है, तो विटामिन ए जो है गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है बता ही चुके हैं विटामिन सी की कमी से होता है। एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया किसको कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को जो है एनोस्मिया कहते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, ठीक है। विटामिन ए प्रचुर होता है, तो विटामिन ए किस में होता है? गाजर में, गाजर में होता है प्रचुर। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान जो इस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर है ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान संस्थान? कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित किसकी उपस्थिति है? तो गाय का जो पीला रंग होता है केसिन के साथ साथ क्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, सी हो जाएगा। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसीलिए जो इसको बेहतर माना जाता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? पौधों और जंतुओं में क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं, ठीक है, सी हो जाएगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण से दिल का दौरा होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंगा होता है, घेंगा बी हो जाएगा। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मीना माता रोग, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पारद के द्वारा फैलता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोयला के खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को जो ये रोग होता है ब्लैक लंग रोग, ठीक है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? इटाई इटाई, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इटाई इटाई से संबंधित है। कालाजार का संचार किससे होता है? तो कालाजार का जो संचार होता है सिकता मक्खी से होता है, बी हो जाएगा। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जुडोबुडिन, जुडोबुडिन, ठीक है, ये हो जाएगा। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा जो हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। एस्बेस्टस कारण होने वाला प्रमुख रोग है, एस्बेस्टस के कारण, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एम्फेसेमा, एम्फेसेमा जो है एस्बेस्टस कारण होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आंवला जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत इसमें आंवला, करेक्ट हो जाएगा। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान
करने के लिए, तो बीएमडी परीक्षण जो किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए, ठीक है, सी हो जाएगा। एड्स होता है, तो देखिए एड्स जो होता है विषाणु से होता है। मानव गुर्दे में पत्थरे निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है, तो पत्थरे कैल्शियम ऑक्सीलेट की कमी से बनती है। सरल गलकंड यानी घेंघा इसको प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो घेंघा जो है थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है, ठीक है। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एस्पोरोजोआइट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है, कवकीय रोग है दाद कवकीय रोग है। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है, डीएनए विषाणु, ठीक है। काली मौत किसे कहते हैं, काली मौत, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्लेग को काली मौत कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स, ठीक है। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। प्रचुरता मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है। ये खाद्य प्रोटीन के दो मुख्य स्रोत हैं। विटामिन बी का अन्य नाम है, तो देखिए इसका अन्य नाम है राइबोफ्लोविन, ठीक है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 4000 कैलोरी, ठीक है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, पानी में जल में घुलनशील विटामिन बी और सी बता चुके हैं, ये विटामिन बी और सी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी दिया गया है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता केरेटोमेलेसिया होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीटीपी को अंत पेशीय रूप में दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, काली खांसी को। मलेरिया किसके द्वारा एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है, तो देखिए मलेरिया जो है एनोफिलीज मच्छर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो पीलिया रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। अधिरक्त स्राव है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एक अनुवांशिक विकार है, ठीक है। एचआईवी क्या है, तो एचआईवी जो है विषाणु रोग। कालाजार किससे संचरित होता है, तो कालाजार जो है सिकता मक्खी से संचरित होता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1986 में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है, तो वंशानुगत हीमोफीलिया जो वंशानुगत संचारित होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो देखिए इसकी खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने, मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं, तो ये ग्रस्त हो जाते हैं अल्जाइमर रोग से, ऑप्शन डी हो जाएगा। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु को लगाया जाता है। रेबीज क्या है, तो देखिए रेबीज जो है ये विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है, तो प्लेग जो है जीवाणु से फैलता है।
कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण त्वचा का प्रदाह कवक के कारण होता है। थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है, खून को प्रभावित करती है थैलासीमिया। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए उपयोगी होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो इसमें आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया गया, मरास्मस, रिकेट्स, बेरीबेरी, वल्क चर्म। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है, मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो इसका आंसर सही कमेंट में बताएं। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।